Hi friends, welcome back. By Maldives versus Lakshadweep, how China is bullying India in the sea. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. इसमें सिर्फ एक ही कहूँगा कि नॉर्मली जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है वो सिर्फ इंडिया के साइड से आती है. आज तक कोई मालदीव के न्यूज़पेपर से जाके चीजें लेके नहीं आया. मालदीव की क्या तो हमें वहां पर वो क्या चल रहा है वहां. ये सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही साइड की स्टोरी दिखाएं. अपने पर्सपेक्टिव से बस लोगों को उसी बबल में रखें. मगर ट्रू होता है कि आप उनके पर्सपेक्टिव से दिखाएं कि वो अपने न्यूज़पेपर में क्या बोल रहे हैं. मेन तो ये है कि वहां एग्जैक्टली क्या हो रहा है. यहाँ से तो हम दिखा देते हैं वो डर गया, वो हो गया, ये हो गया. और जो भी मतलब बनाते हैं वीडियोज वगैरह उसमें दिखाते हैं न्यूज़पेपर, सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, तो उसमें फिर बात नहीं. हमें पता करना होता है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, वो उनके न्यूज़पेपर में क्या Correct. बात हो रही है, वो कितना एंटी इंडिया, ये देखना. एग्जैक्टली. तो चलो शुरू करें. भारत पर अगला अटैक कश्मीर से नहीं होगा, अरुणाचल से नहीं होगा, लद्दाख से नहीं होगा. भारत पर अटैक होगा इंडियन ओशन से. चाइना भारत पर अटैक की तैयारी कर रहा है मालदीव की मदद से, क्योंकि अब चाइना ने मालदीव को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया है. क्यों पता है? भारत को सब तरफ से घेरने के लिए. हम चाइना के जो लद्दाख में टैक्टिक्स है उनके बारे में अवेयर है, बट व्हाट अबाउट द सी. ये वीडियो भारत के लिए एक वार्निंग, साथ ही साथ चाइना के अगेंस्ट एक प्रूफ कि वो भारत पर अटैक कर सकते हैं. ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम इस वीडियो में ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं. मालदीव्स और चाइना की फ्रेंडशिप, चाइनाज इंडियन ओशन स्ट्रेटजी एंड थ्रेट्स टू इंडिया. हम जियोपॉलिटिक्स को आपके लिए आसान बनाना चाहते हैं ताकि आप आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर. अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है. चैप्टर वन, चाइना और मालदीव्स की दोस्ती. हाल ही में न्यूज आई कि मालदीव्स ने चाइना के साथ एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है. इस पैक्ट के अंडर चाइना मालदीव्स को डिफेंस एंड मिलिट्री असिस्टेंस देगा. मालदीव्स की सरकार कहती है कि इस अग्रीमेंट के वजह से स्ट्रॉन्गर बायलैटरल टाइज होंगे. इंडिया से तकलीफ हो रही थी, चाइना से मिलिट्री का कर रहे हैं फ्री है. जनवरी में मुइजू बीजिंग में थे और उन्होंने चाइना के साथ 20 अग्रीमेंट साइन की ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड, ग्रीन डेवलपमेंट ग्रांट्स एटसेट्रा. इन अग्रीमेंट्स में 127 मिलियन डॉलर्स हैं टू डेवलप रोड्स इन मालदीव्स कैपिटल माले एंड टू बिल्ड 30,000 हाउसिंग यूनिट्स. फरवरी में मुइजो ने कहा था कि वो अपने मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटीज एनहांस करने वाले थे ताकि वो अपने देश की रक्षा इंडिपेंडेंटली कर सके. ड्रोन्स खरीद रहा है ताकि वो अपने सी पर नजर रख सके. लेकिन उन्हें किन से खतरा है, उनका एनिमी कौन है? एक्चुअली ये भारत के अगेंस्ट अपने डिफेंस को मजबूत करने की तरकीब, ये जानते हुए कि भारत कभी भी पहला वार नहीं करता. यानी हो सकता है कि उनका ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करने का प्लान हो. जब मुइजो मालदीव्स के प्रेसिडेंट बने तब उनकी फर्स्ट ऑफिशियल विजिट तुर्की में थी और वहाँ उन्होंने ड्रोन फैसिलिटीज इंस्पेक्ट किए और ड्रोन के ऑर्डर्स प्लेस भी किए. रिपोर्ट्स के अनुसार 3 मार्च को ड्रोन की हम फ्री इनको देते हैं चीजें, ये ड्रोन ले रहे हैं और इन्हें लो लेवल कॉम्बैट के लिए यूज भी किया जा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक TV2 ड्रोन $5 मिलियन का आता है. दिस इज नॉट अ स्मॉल सम. अभी कहते हैं IMF में जा रहा है, बजट चलाता है, यानी उनके खर्चे उनके इनकम से ज्यादा है. ऐसे सिचुएशन में मालदीव जैसे छोटे देश को जॉब्स जनरेट करने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसे खर्च करने चाहिए. उन्हें ड्रोन किसी भी नेशन से डेंजर नहीं है. जैसे चाइना या पाकिस्तान हम पर छुप छुप कर वार करता है वैसा कोई भी डेंजर मालदीव के लिए है ही नहीं. तो उनके पास दूसरों के लिए डेंजर बनना चाहते हैं, इतने सारे पैसे आ कहां से रहे. यानी चाइना बेसिकली मालदीव्स को हर वे में सपोर्ट कर रहा है, इकोनॉमिकली बाय सेंडिंग टूरिस्ट्स, बाय डेवलपिंग देयर आइलैंड्स एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी वाइज बाय प्रोवाइडिंग फ्री मिलिट्री एड जिसे मालदीव्स ड्रोन परचेज कर सकता है. लेकिन एज ऑलवेज चाइना के ये जेस्टर्स उनके ट्रू इंटेंशंस छुपाते हैं. चैप्टर 2, चाइनाज इंडियन ओशन ड्रीम्स. ओके, तो हाल ही में भारत मिसाइल टेस्ट करने वाला था. जब भी कोई देश मिसाइल टेस्ट प्लान करता है तो नो टैम यानी नो फ्लाई जोन वाला नोटिफिकेशन देना पड़ता है ताकि वो आ जाती है उसकी शिप पे या फिर पैसेंजर एयरक्राफ्ट उनकी टेस्ट की वजह से डैमेज ना हो. बेसिकली ये नोटिस एक नो फ्लाई जोन डिमार्केट करता है जिसे एयरलाइंस अवॉइड करते हैं. यूजुअली ये एक विंडो होता है. इन दिस केस आवर विंडो फॉर कंडक्टिंग टेस्ट वाज 11th to 16th मार्च और जस्ट पहले एक चाइनीज
चाइनीज वेसल हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बॉर्डर पर आती है एंड नॉट जस्ट गलती से उसके ऊपर मार दो बॉम्ब। इमेज देखिए नवंबर 2022 में भी सेम घटना हुई थी। प्लान टेस्ट से पहले चाइनीज वेसल युआनवांग 06 इंडियन ओशन रीजन में आया था। भारत को अल्टीमेटली नो टाइम यानी नोटिस टू एयरमैन कैंसिल करना पड़ा और फिर टेस्ट भी कैंसिल करने पड़े ताकि उस चाइनीज स्पाई वेसल को सारे डिटेल्स न पता चले। चाइना का ये फर्स्ट स्पाइंग जैमर लगा दो। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन ओशन में अंडर वाटर ड्रोन भी भेजे। चाइना ने नवंबर 2019 में 12 अंडर वाटर ड्रोन भेजे थे जिन्हें 2020 में कलेक्ट किया गया। ये अंडर वाटर ड्रोन महीनों के लिए चलते हैं। ऐसे अंडर वाटर ड्रोन और स्पाई वेसल्स का इस्तेमाल करके चाइना दूसरे देशों पर नजर रखता है। कुछ ही हफ्तों पहले मालदीव ने चाइनीज रिसर्च शिप ने पोर्ट कॉल किया जो हाइड्रोग्राफिक सर्वेस करने के पर्पस से आया था। हाइड्रोग्राफिक सर्वेस Sure, we believe you. In fact, श्रीलंका ने अपना हम्बनतोटा पोर्ट चाइना को 99 ईयर लीज पे दे दिया है। So what do you ask? चाइना को जैसे यूज करना है यूज करे, लेकिन चाइनीज रिसर्च वेसल्स वहाँ पर फ्रीक्वेंटली स्टॉप करते हैं। US डिफेंस डिपार्टमेंट कहती है कि ये रिसर्च वेसल्स चाइना के PLA को डेटा भेज सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्चेस और मिसाइल टेस्ट ट्रैक कर सकते हैं। US गवर्नमेंट ने 2022 में ये रिपोर्ट निकाली कॉल्ड 2022 चाइना मिलिट्री पावर, जहाँ उन्होंने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। 2049 में PRC के 100 साल पूरे होंगे और 2049 तक चाइनीज गवर्नमेंट ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन प्लान कर रहा है। हमारे बाद होते हैं आजादी, ताइवान यूनिफिकेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। इकोनॉमी वाइज चाइना ऑलरेडी USA के काफी करीब आ रहा है। USA की इकोनॉमी 27.9 trillion dollars की है, चाइना की इकोनॉमी 18.5 trillion dollars। एंड जस्ट फॉर गुड मेजर टू शो कि हमारा रास्ता कितना लंबा है, भारत की इकोनॉमी का साइज है 4.1 trillion dollars। दिस इज एज पर IMF डेटा। कांग्रेस को थैंक यू बोलो ना, कितना महान काम किया है। एडवांस टेक्नोलॉजीज बना रहा है वो, अपने फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करता है, खुद के ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करता है एंड एट द सेम टाइम ग्लोबली एक बड़ा डिफेंस सप्लायर भी बन चुका है। इकोनॉमिकली ट्रेड की सप्लाई किसको करता, पाकिस्तान को ही करता है। अभी गरीब कंट्रीज अफ्रीका वगैरह बहुत कुछ करते हैं। देने के बाद भी पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाई उनके स्केल ऑफ प्रोडक्शन की वजह से और प्राइसेस की वजह से। बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जो चाइना से कम्पीट कर सकता है एक्सेप्ट इंडिया। आर्म्ड फोर्सेस में जैसे मिलिट्री इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही नेवल सुप्रेमेसी भी इम्पोर्टेंट होती है। नेवल सुप्रेमेसी की वजह से ओशंस और सीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने के लिए ही हुए हैं। अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू मनी। पैसिफिक ओशन में US नेवी और जापानीज शिप्स की काफी ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, लेकिन इंडियन ओशन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए कई सालों से चाइना साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस जता रहा है। अब चेंज होते रहे, हम लोग कर नहीं रहे एरिया में, चाइना उन चीज को मार रहे हैं, सब दिखा रही है हमारा एरिया। आसपास एक नेकलेस जैसे बेस है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, लाओस, सारा काम कर लिया, वियतनाम, पैसा दे दे के सब भूखे देश हैं। चाइना इन देशों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, फिर किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, फिर उस जगह पर चाइना अपना पैसे के आगे हम लोग उसके मान गए साउथ चाइना सी में। बेसिस के थ्रू वो इंडियन ओशन में अपनी नेवल सुप्रीमेसी बना सकता है। PLAN और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। सो इवन इफ चाइना डज नॉट हैव आर्मी स्ट्रेंथ और कॉम्बैट एक्सपीरियंस, इट हैज नेवल स्ट्रेंथ। प्लान के पास 340 शिप्स और सबमरीन और 125 मेजर सर्फेस कॉम्बैटेंट्स हैं। उनके पास ये सारी चीजें हैं। चाइना सुपर एडवांस्ड है, उनके पास किसी दूसरे देश के अटैक्स को रोकने के लिए ये सारे वेपन्स हैं। यानी वो अपना मिलिट्री डोमिनेंस जताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने देश का ट्रेड हैम्पर ना हो, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश चाइना के अगेंस्ट आवाज नहीं उठाएगा। सब मिलके उठाओ, खत्म करो उसका। भारत इन सारे इवेंट्स के बाद एक लूज लूज सिचुएशन में फंस जाता है। चाइना का डिफेंस बजट है 232 बिलियन डॉलर्स और वो भी एक मिसलीडिंग फिगर है। कई वेस्टर्न एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उनका रियल डिफेंस बजट 700 या 800 बिलियन डॉलर्स है। ऑन द अदर हैंड भारत का डिफेंस बजट है ओनली 78 बिलियन डॉलर्स, नो कंपैरिजन। हमारे पास मिलिट्री को एलोकेट करने के लिए, उसे मॉडर्नाइज करने के लिए उतने पैसे नहीं है। टेक्नोलॉजी वाइज राइट नाउ वी सिंपली कैनॉट मैच चाइना। द
दिस इज द सैड रियलिटी। एंड चाइना छोटे आइलैंड नेशंस की ओर पैसा फेंकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने ही कंपनी से बनवाता है, बेसिकली वो पैसा अपने एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में डालता है विद सम इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स फॉर द अदर कंट्री। और इसी की वजह से वो चाइनीज पॉलिसीज और चाइनीज प्रोपेगेंडा आगे फैलाते हैं। मालदीव्स में आज यही हो रहा है, चाहे हम उन्हें 700 करोड़ दे या 7000 करोड़, चाइना ज्यादा टूरिस्ट, ज्यादा पैसे, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा लॉलीपॉप उनके सामने फेंकता है। चाइना के अगेंस्ट कोई क्रेडिबल डेटरेंट है भी या नहीं? इन दिस कॉन्टेक्स्ट पिछले हफ्ते भारत ने MIRV टेक्नोलॉजीज टेस्ट, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, बेसिकली एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स। अग्नि-5 मिसाइल्स की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर की है। तो पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 900 किलोमीटर है एंड वो भी इन द मोस्ट अपडेटेड वेरिएंट। अग्नि-5 मिसाइल की रेंज उससे 6 गुना ज्यादा है। हम चाइना को इकोनॉमी और ट्रेड के मामले में इंस्टेंटली टक्कर तो नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें गिव अप कर देना चाहिए, चाइना का गुलाम बनना चाहिए। आज हम इंडिजिनस यानी लोकल और मेहनत करो, ज्यादा स्पीड से बेटर हो, मिसाइल डेवलपमेंट, UAV या फिर अनमैंड एरियल व्हीकल्स पर फोकस कर सकते हैं। टू बी रियली ऑनेस्ट, इन सारे प्रोजेक्ट्स की आवश्यकता 10 साल पहले की थी, सो वी आर ऑलरेडी लेट। टू बी ऑनेस्ट, भारत को देख के ये एक चीज स्ट्राइक होती है, नोबडी इज रियली योर फ्रेंड, एवरीबॉडी जस्ट वांट्स योर बिजनेस। मॉल्डीव्स के एक्स प्रेसिडेंट ने भारत से माफी मांगी, कहा कि मॉल्डीव्स मिसेस इंडिया, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्हें लाज लज्जा शर्म आ रही थी, क्योंकि देशवासी कैसे बर्ताव कर रहे हैं, बट इसीलिए क्योंकि इंडियन टूरिस्ट का इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी पर दिख रहा था। सो नॉट दैट दे रियली केयर, दे जस्ट वांट आवर बिजनेस, विच स्टैंड्स ट्रू फॉर एवरी अदर बिजनेस इन द वर्ल्ड, इवन द मिलिट्री। इसीलिए आज ये हाईलाइट करना जरूरी है कि जब इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव्स को जाना बॉयकॉट करने का सोचा, तब मालदीव्स का टूरिज्म सेक्टर 33% से नीचे गिरा। ये है आपकी ताकत, हमें इसी ताकत से बॉयकॉट चाइना मूवमेंट को भी जिंदा रखना है। देखो, दुख की बात है कि हम इतने पीछे हैं, चाइना इतना आगे चला गया है। ये हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की देन है हमें, जिसकी वजह से हम इतने पीछे हैं, नहीं तो हमको चाइना के एटलीस्ट इक्वल तो हो जाना चाहिए था। और बॉयकॉट, उनका इंडिपेंडेंस हमारे से 2 साल बाद हुआ था। हेलो, एक और बात सुन लो, तो हमें तो आगे होना चाहिए था, फिर भी देख लो, वही तो है, आपने किस कैसी गवर्नमेंट चुनी है जो देश को आगे बढ़ाएगी, क्या करेगी वो दिखता है, कि अगर गलत गवर्नमेंट चुन ली तो क्या कितना देश कितना पीछे रह सकता है, वो पीछे रहा रह गया है, वो हमारा अपने देश को देख के पता चल जाता है। पर एनीवे, गुड थिंग इज कि 10 साल हमने जो है अच्छा डिसीजन, करेक्ट डिसीजन लिया, जिसकी वजह से अभी हमें अपने इंडिया का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, और उससे चाइना भी घबरा रहा है, वो देखकर कि भैया हमें कंपटीशन में इंडिया खड़ा हो रहा है, तो वो घबरा रहा है। इंडिया को 14% करना पड़ेगा अपना GDP ग्रोथ, तब जाके कुछ बात बनेगी। 14% करना पड़ेगा 20-30 साल के लिए, देन इट गेट क्लोज, और धीरे धीरे चलने के बदले एक बहुत फंडिंग चाहिए होगी रिसर्च में, और कोई ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो उसके पास नहीं है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी आ जाएं, तब तो वो ये होप है कि अगर ठीक डिसीजंस लेते रहे और ठीक लोगों को जिताते रहे, गवर्नमेंट ठीक आती रही, तो पॉजिटिव दिख रहा है अपना रास्ता। खुद इंडिजिनस कुछ बनाना पड़ेगा, अगर दूसरे से खरीद रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसी चीज़ को बनानी है जो उनके पास नहीं है, उससे उनको पता चलेगा कि ये सब चीज़ें ब्रेन पावर से ही है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बिल्कुल, तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।